click on the bell icon to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कन्या, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज भी बनाने वाला हूं पनीर पेशावरी। जो भी हम सामान उसमें यूज करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो यह है रिफाइंड ऑयल जो कि मैं तड़के के लिए यूज करूंगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। घी पेशावरी है तो रिच फूड है, तो घी तो हो गई। ये क्रीम, ड्राई फ्रूट, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत खड़े मसाले, काजू का पेस्ट, ब्राउन ऑनियन का पेस्ट, ये दही है और ये पनीर। तो आइए हम बनाते हैं पनीर पेशावरी। ये लिया मैंने ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल। मैं इसमें डालूंगा दो पत्ते तेज पत्ते के, एक ये स्टार फूल डाल दिया, स्टिक सिनेमन, ये लकड़ी दालचीनी बोलते हैं हम इसको, और इलायची, दो तीन ये लौंग के दाने। इसमें डालता हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, दो छोटी चम्मच। ये अदरक लहसुन नीचे से पक रहा है तो थोड़ा सा हमें इसमें पानी देंगे ताकि ये चिपके नहीं, लगे नहीं। इसमें डालूंगा एक चाय चम्मच टीस्पून देगी मिर्च का, आधा चम्मच धनिया पाउडर का, एक चुटकी पिंच, आधा चम्मच करीब ये गरम मसाले का, और फिर से इसको पकाते हैं आधा एक मिनट के लिए। डाल देंगे उन्हें लग जाएगा मुझे। एक मिनट से कलर आ गया उसका, बढ़िया गोल्डन कलर हो जाएगा। इसमें डालता हूँ ब्राउन ऑनियन पेस्ट, जो मैंने भुने हुए फ्राई किए हुए प्याजों का पेस्ट बनाया है, दो चम्मच डाले मैंने ये। इसमें दो चम्मच मैं डालूंगा दही के, इसी में और एक चम्मच मैं डालूंगा काजू का पेस्ट, और दो से तीन मिनट इसको पकाओ। दो से तीन मिनट के लिए मैं इसको पका लूंगा। थोड़ा सा इसमें मुझे गरम मसाला पिंच करना पड़ेगा, खुशबू थोड़ा कम लग रही है। मैं इसमें पनीर डाल दूंगा, क्योंकि ये पेशावर की है तो जरूरी है कि थोड़ा रिच होगा। ये थोड़ा घी एक टीस्पून डाल दिया मैंने इसमें, फिर से इसको एक मिनट के लिए वापस करूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम डालता हूँ। यह डिश थोड़ा रिच है, थोड़ा हैवी है, तो काफ़ी ये पॉपुलर डिश है। ये पेशावर किचन की है, जो हमारे पास तो पेशावरी किचन में बनती है, लेकिन हम इसको तैयार कर लेते हैं। हमने ये पेशावरी का काम किया हुआ है, सो मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ। चीज़ को ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। आप स्वाद अनुसार आप
नमक यूज़ कर सकते हैं। मैं 5 ग्राम की सलाह दूंगा आपको, और स्प्रिंकल ऑन टॉप कसूरी मेथी थोड़ा सा। दोस्तों आपको हमारी डिशें कैसे लगी ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आपको मैं नई नई डिशें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप अपनी चॉइस बताइए मुझे, मैं कोई भी डिश आपको बनाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ।